कुछ नहीं, मत करिए। कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा? तो आप लोग मुझसे डर रहे हो ना, मैम तो यहीं पर हैं बराबर आप लोगों के साथ, इनसे तो नहीं डर रहे हो? नहीं। और मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। होम साइंस का पेपर था ना? यस सर। कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था? अच्छा था। आपका कैसा रहा? मेरा भी अच्छा रहा। अच्छा, इतने सारे लोग, देखो सारे सर, एक बार आप कैप्चर करिएगा बच्चों को, इतने सारे प्यारे बच्चे, सिर्फ इतने ही बच्चों का है होम साइंस? हाँ। क्या बात है यार, मतलब कितने सारे क्यूट बच्चे हैं। आप लोगों का कैसा रहा? अच्छा था। चलो ठीक है, और देखो सही है। और क्या नाम है आपका? अर्चना। अच्छा बताओ, होम साइंस कौन पढ़ाता है? नीतू मैम पढ़ाती हैं। नीतू मैम पढ़ाती हैं? हाँ। देख लीजिए नीतू मैम, आपके बच्चे मिल गए। अच्छा, जो पढ़ाया गया था वही से आया थे, बाहर से आया था? वही आया था। पक्का? पक्का वही आया था। नीतू मैम ने कुछ खिला पिला दिया है क्या आप लोगों को? पहले से ही ऐसे ही बताना कुछ नहीं। अच्छा पढ़ाती है ना, तो सब पूरा आया है हम लोग को। सिंपल आया था। सिंपल आया था, पूरा लिखे हैं। पूरा लिखे? कितने क्वेश्चन थे? 30। 30 क्वेश्चन? नहीं, 10 क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी। 10 क्वेश्चन, बाकी बहुविकल्पी थे। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। 70 में से 70। 70 में 70 आएगा। अच्छा बताओ आप कहाँ जा रहे हो? इधर आओ जरा, इधर आ जाओ। आपका कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। अच्छा रहा। आप लोग जानते हो मुझे, पहले कभी देखा है? नहीं। यूट्यूब पे साथ देखे एक बार। यूट्यूब पर देखा था? आप नहीं जानते? नहीं, हम नहीं देखे। हाँ, यूट्यूब पर देखो हमारा चैनल ना, पब्लिक क्विज अश्वनी के नाम से, तो वहाँ पे इन लोगों ने देखा। आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं। आपका कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। अच्छा था। हाँ। आगे छाया मैम को जानते हो? हाँ, मैम तो हमें साथ ही जाती हैं। हाँ। मैम की कितनी प्यारी स्माइल है यार, मतलब है ना। राज्य में एक और, चलो सही है। और ये होम साइंस का पेपर था, नेक्स्ट कौन सा पेपर है बेटा? ड्राइंग है। ड्राइंग है, और फिर सोशल साइंस, मतलब फाइनली पेपर खत्म ही है। तो बताओ अब टेंथ में कितना परसेंट बनने वाला है, कितने रिजल्ट कितना बनने वाला है? 80-85 आएगा। 85? हाँ, 80-85। 80-85। आपका? 90। 90। बार ये क्या बात है। आपका? 70। काहे 30 कहाँ से लाओगे? आ जाएगा कहीं से भी। अरे कहीं से नहीं लाओ, 70 क्यों? 70% मुझे 70, इनका तो 90 बोल रही है। हाँ, वो मतलब ज़्यादा पढ़ती होगी, हम जितना पढ़ते हैं। देख लो, क्लास लेते हो? यस सर। और आप? हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ाई कर करके तो ये सूख रही हैं, है ना। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं यार। और आपका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। देखो होम साइंस का पेपर था और बहुत कम बच्चे आए हुए थे, क्योंकि टेंथ क्लास के सिर्फ लड़कियां ही आई हैं होम साइंस, राइट? यस सर। हाँ, और अच्छी बात यह है कि मैम ने अच्छा मेहनत किया हुआ है। और स्कूल का क्या नाम है आपके? राम सूरत मालती इंटर कॉलेज मीडियट। हाँ, कॉलेज मीडियट नहीं, राम सूरत, राम सूरत आर एस एम के बच्चे हैं। और ये राजगढ़ में स्कूल है, जिला मिर्जापुर, है ना? यस सर। चलिए बढ़िया है, सेल्फ सेंटर है, है ना? हाँ सर। यही के बच्चे, चलो अच्छा है। बाकी बाकी आप लोग मेरा वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर आएगा, पब्लिक विज अश्वनी के नाम से। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा आप लोग मुझे बताना, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉमन, थोड़ा सा मैं IQ टेस्ट कर रहा हूँ, राइट? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो कभी खाने वाली, वो चीज़ है जो कभी सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती, वो क्या हो सकती है? देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। खाने वाली चीज़ें? खाने वाली चीज़ें, वो मैं IQ टेस्ट कर रहा हूँ बस ऐसे ही जनरल। नमक? क्या बात है। नहीं, मैम का भी बिल्कुल सही आंसर था वैसे, है ना? तब चावल नहीं हो सकता है? चावल वो सड़ता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि वो क्या है जो मरने के बाद ही हमें मिलता है, ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हमें मरने के बाद ही मिलता है, उसके पहले नहीं? मेहनत का फल। मेहनत का फल, मतलब अभी फल मिल ही नहीं रहा है भाई। हाँ। रिजल्ट आने वाला है, वो कोई फल नहीं है। हाँ, हाँ, स्कूल का बताओ। मरने के बाद? हाँ, मरने के बाद ही हमें मिलता है वो चीज़ सर। हाँ बताओ बताओ बताओ, अभी मत कहना क्या। कफन। हाँ सही है। मैम आप बताइए। अच्छा आप बताइए, ऐसी वो कौन सी चीज है जो मरने के बाद ही हमें मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता? सुकून। सुकून, क्या बात है, मतलब अभी सुकून नहीं है ना। आप लोग बताइए। मैम बहुत प्यारी छाया मैम दी।